जी ध्यान से देखिए देखिए क्या मेरा और कपिल बेटा आपका वो कैमरा ऑन ऑन नहीं है। अब ठीक क्या बना ये? तो वेरी गुड मेरा क्या बना? मैं अभी शेयर स्क्रीन करती हूँ, रुक जाओ फिर आप यहाँ से भी दिखे। अब नजर आ रहा है बस क्या है ये? थोड़ा वेरी गुड। क के साथ मैंने ये लगाया तो क्या बन गया? ये देखो रामनगर सेंटर। मैम कहाँ है बेटा आपकी? है मैम मैम तो बच्चे पीछे बातें कर रहे हैं, इनको चुप कराएगी कि मैं चिल्लाऊंगी नहीं। है सेंटर क्या वर्ड है ये? स्कैन मतलब क्या हुआ? स्कैन करना, क्या स्कैन करना? मोबाइल मोबाइल। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो, पर हम क्या स्कैन करते हैं मोबाइल से? जैसे कि मेरे पास ये कागज है, ठीक है? अगर मुझे ये कागज नहीं चाहिए, मुझे इसे अपने फोन पे रखना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं इसे स्कैन करूंगी। क्या करूंगी? स्कैन करूंगी। वेरी गुड, मैं इसे स्कैन करूंगी। और किससे स्कैन करूंगी? अपने मोबाइल से। अब एक और चीज है, जब हम कहीं जाते हैं, सामने देखो, जब हम कहीं जाते हैं, जैसे हमने रेलवे स्टेशन जाते हैं या एयरपोर्ट जाते हैं, वहां बड़ी बड़ी मशीनें लगी, या जब हम मॉल में भी जाते हैं, वहां पे भी एक ऐसे मशीन लगी होती है, बैग और मशीन के हम डालते हैं और उस मशीन से निकलता है। मॉल में कभी गए हैं बच्चे आप लोग? या रेलवे स्टेशन पे भी, अब कई जगहों पे रेलवे स्टेशन पे भी ऐसे वो बड़ी मशीनें होती है जहां से हम सामान रख के वहां से स्कैन होता है। लेट मी चेक, अगर मेरे को मिलता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी Body scanner allows us to use technology to screen passengers. The passengers are certainly excited to see something new and fun looking. That's what you gotta take out of your bag. The electronics, your bag, like your laptop. Technology that stands for computed tomography. It's the same technology that we're using today. मैं आपको दिखाती हूँ स्कैन क्या होता है। ये देख रहे हो मशीन?
देखिए, इसमें हम सामान डालते हैं और ये मशीन से स्कैन हो जाता है, मशीन से स्कैन होता है, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए होता है कि हम क्या हमारे सामान में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसमें हमारे आगे के बाकी के यात्रियों को खतरा हो या कुछ। तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए स्कैन करते हैं सामान को, क्या करते हैं सामान को, वेरी गुड। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि स्कैन क्या होता है। ऐसे ही जैसे सामान के स्कैन के लिए मशीन होती है, ऐसे ही एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे या मॉल्स में या अब सिनेमा घरों के बाहर भी ऐसे मशीन लगी होती है जिसमें बॉडी स्कैनिंग, मतलब बॉडी की स्कैन, जब इंसान चलते हैं उसमें से तो उसमें से भी स्कैन होता है। क्या होता है, अगर हमारे पास कोई लोहे या स्टील या कोई भी मेटल की चीज हो तो उसमें आवाज आती है, बेल बजता है, रिंग 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 करके बेल बजता है कि हाँ जी इसके पास कुछ है। तो ये आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि स्कैनिंग क्या होती है। स्कैन हम कागज को भी करते हैं, फोन से भी जो हम करते हैं वो भी स्कैन है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। ऑल राइट, अब ये पढ़िए, चलिए आगे का वर्ड पढ़े, पढ़िए। सब्जी वाले के पास होता है, हम एयरपोर्ट पे जाएं तो वहां पे भी होता है। तो ये वेट, जो भी जिससे भी हमें वजन या तोल या माप करने की कोई चीज हो उसे हम स्केल कहते हैं, जिससे हम माप सके, चाहे वो वजन मापना है, लंबाई मापना है, कुछ भी मापना है, तो उसके लिए हम स्केल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वेरी गुड। और ये तो मैं देखना चाहती हूँ ये वर्ड कौन पढ़ेगा, पढ़िए। कोल्ड का मतलब कौन बताएगा, कोल्ड, इस कोल्ड,
अच्छा कौन बताएगा स्कोल्ड का मतलब? मीरा बताएंगी। अच्छा अभी देखो मैं कुछ करने वाली हूँ और मुझे बताना इससे क्या लग रहा है कि क्या कर रही हूँ। कबीर did properly, why haven't you done your work? Did you write your page writing every day? What have you done in your homework? तो मैं क्या कर रही हूँ? कभी कभी मम्मा भी ऐसे ही करती ना, क्या कर रहे हो इतनी देर तक सो रहे हो, उठ जाओ जल्दी करो, देर हो गई, जाना है स्कूल खुल गया, जल्दी करा जाओ, जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी से ब्रश करो। हाँ तो कभी कभी मम्मा भी डांटती है ना, तो इस डांट को जब हमें कभी कभी डांट पड़ती है उस डांट को हम इंग्लिश में कहते हैं स्कोल्ड। क्या बोलते हैं? स्कोल्ड। इस डांट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कोल्ड। तो ऐसे ही कभी कभी मम्मा या कभी कभी मैम या कभी कभी हमारे दोस्त या मैं उनपे गुस्सा करते हैं, पर दोस्त का डांटना स्कोल्ड नहीं होता है, दोस्त का तो लड़ना होता है, लेकिन जब बड़े हमें डांटते हैं तो उसे हम कहते हैं स्कोल्ड। क्या कहते हैं? स्कोल्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट वर्ड। वेरी गुड। क्या है ये? क्या है स्कोर? क्या होता है स्कोर का मतलब? नंबर्स। वेरी गुड, गुड गर्ल मीरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये तो नंबर है हमारे, ये तो नंबर्स है, ये स्कोर नहीं है, ये तो नंबर्स है। स्कोर का मतलब जब हमें कोई खेलता है उसके नंबर्स कितने आते हैं? हाँ, जब हम कोई खेल खेलते हैं जैसे क्रिकेट है, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम पूछते हैं अरे भाई स्कोर क्या हुआ, मतलब इंडिया ने कितने रन बनाए, या जो भी बल्लेबाज बल्ले से खेल जो बैटिंग कर रहे हैं अरे भाई स्कोर क्या हुआ इस टीम का जो बैटिंग कर रहा है, या जब हॉकी का मैच होता है तो तब भी हम पूछते हैं भाई क्या स्कोर चल रहा है, क्या मतलब किस टीम के कितने गोल हो गए, कुछ तो बताइए। तो ये होता है स्कोर। क्या होता है? तो जब हम देखते हैं किस साइड ने कितने रन बनाए तो वो होता है स्कोर। क्या होता है स्कोर? चलिए रीड करिए। वेरी गुड। क्या है ये? कार। तो सबको पता होगा क्या होता है कार का मतलब, जो हम इधर ऐसे टांगते हैं, छोटा सा होता है ऐसे बांधा, या कभी सर पे बांधते हैं हम, उसे बोलते हैं स्कार्फ। वेरी गुड।
अच्छा ये रीड करिए क्या है ये कार कार क्या है ये कार कार का मतलब क्या होता है कार नहीं कार क्या होता है कार मतलब गाड़ी कार मतलब रद्दी रद्दी क्या होता है स्कार रद्दी है क्या जब हमें चोट लग कबीर अपनी चोट दिखाओ जरा सबको कहाँ लग गई स्कार चोट करते थे हाँ देखिए जरा ये कबीर की चोट नजर आ रही है सबको चोट को कार कहते हैं चोट को स्कार हाँ जब चोट का निशान पड़ जाए तो उसे कहते हैं स्कार क्या कहते हैं स्कार स्कार नहीं स्कार क्या कहते हैं मैं किसी चीज का निशान जैसे कभी आपने देखा होगा मम्मी का हाथ में या बाजू में कहीं चोट लग जाए या जल जाता है कई बार खाना बनाते बनाते तो उस जले का निशान पड़ जाता है ना तो उसे कहते हैं मेरे पास मेरे तो दिन बाद दिन बाद चोट को कबीर का है क्या बोलते हैं स्कार स्कार हाँ आपका है कबीर मुझे इस पे स्क्रीन पे दिखती है चोट का निशान दिखाओ तो जरा देखिए किसी के चोट का निशान लगा हुआ है किसको लगाए एक दिखाओ नीचे को दिखाओ आओ किधर कबीर के पे लगा हुआ है यस तो इसे बोलते हैं स्कार चलिए एक और नई चीज आज हम सीखेंगे एक और नई चीज सीखेंगे अब ये बताइए कि हमारी बॉडी किससे कवर्ड है ये क्या होता है स्किन से स्किन से स्किन से कवर्ड है ये जो होता है इसे हम बोलते हैं स्किन अब ये वर्ड पढ़िए जरा क्या हो गया क और एल क्या है ये क और एल एल तो क्या बना वेरी गुड वेरी स्कैल्प क्या होता है ये मैं आपको इतना बता दूं ये भी हमारी बॉडी का हिस्सा है कौन सा हिस्सा है स्कैल्प कौन बताएगा बताइए कबीर ये नहीं है स्कैल्प मेरे बच्चे जी नहीं पता पता ये दिमाग दिमाग नहीं दिमाग तो अंदर होता है दिमाग के ऊपर होता है कुछ बालों के नीचे होता है कुछ जब हम ये ऐसे तेल लगाते हैं ना ऐसे ऐसे ये देखो ये कि अंदर की जो चमड़ी होती है बालों के नीचे जो ये देखो ये मैम बोलते हाँ ये जैसे मीना दिखा रही है मैं भी दिखा रहा हूँ हाँ बिल्कुल कबीर बेटा जैसे आप दिखा रहे हो ऐसे ऐसे इसे बोलते हैं स्कैल अब किसी लड़की ने अगर दो चोटियां बनाई हो या मांग निकाली हो तो जो हमें नजर आता है वो सफेद सफेद हम बोलते हैं स्कैल हाँ ये देखो बीच में से नजर आ रहा है इसे जो नजर आता है उसे हम बोलते हैं स्कैल वेरी गुड देखा एक नया वर्ड सीखा आज हमने Yes,
ओके तो लास्ट क्या कर रहे थे, कौन बताएगा? चमक है चमक। लास्ट हमने क्या रीड किया था? बॉडी का पार्ट। अरे बॉडी पार्ट थोड़ी किया था, कौन सा साउंड किया था हमने? Have you ever seen a root crown? Have you ever seen a root crown make and that sound? Have you ever seen a root crown make? याद आया? S I H. इसका मतलब ये जो मेरे बच्चे हैं, इसका मतलब ये है करते हैं तो ठीक है, पर इसका साउंड क्या है? Ever seen a root crown make this sound and that sound? Have you ever seen a root crown? TH. Yes, TH. तो चलिए आज हम दोबारा से उसे हम नहीं, हमने कुछ वर्ड्स, न्यू वर्ड्स करेंगे इसके साउंड की, क्योंकि फिर हम इसके लिए थोड़ा सा रिटन वर्क भी करेंगे इसका। अरे आगे Have you ever seen a root clown make this sound? ध्यान से, ध्यान इधर। Did you ever hear a root clown make this sound and that sound? तो इसका क्या साउंड है? द द थ द। हमने किया हुआ है। अच्छा पढ़िए क्या है। पिंग क्या होता है? पिंग मतलब सोचना। अगर ये सोचना है तो फिर जो थिंक होता है वो होता है सोचना, जिसमें एंड में के लग जाए वो है सोचना, और जिसमें एंड में जी लग जाए वो क्या है? कोई चीज, कोई वस्तु। वेरी गुड। कोई चीज या किसी चीज को हम बोलते हैं, जैसे हम कह सकते हैं There are many things in my bag. यानी कि मेरे बैग में बहुत सारी चीजें हैं। These are my things. ये सारी चीजें मेरी। Things मतलब चीजें। Okay? तो चलिए जरा थोड़ा इसको read करें। थिंग का मतलब चीज या वस्तु, कोई चीज या किसी वस्तु को हम कहते हैं थिंग। चलिए रीड द सेंटेंस। कौन पढ़ रहा है ये? थिंग्स। मेरा रीड।
will get better. Yeah. Things will get nothing. Things will get मैं पढ़ूंगा चल तो हाँ things will get better मतलब यहाँ पे जो things का इस्तेमाल है यहाँ पे जो हम things शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं चीजों के बारे में यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे जो हालात वो एक दिन सुधर जाएंगे हमारे हालात सुधर जाएंगे क्या होगा हालात बेटर हो जाएंगे आप ये येरवाड़ा सेंटर रीड I like to eat things for myself. Very good. क्या मतलब वो है इसका येरवाड़ा सेंटर सेंटेंस का मतलब अपने बारे में सोचना अच्छा लगता है अपने बारे में सोचना नहीं सोचने की तो थिंक कहाँ बोल रहा है सोचने की बात कोई लिखी हुई है शायन के तो थिंक है ही नहीं इसमें I like doing things for myself मतलब मुझे अपने लिए कुछ करना पसंद है ठीक है थिंक सोचना तब होता बेटा अगर इसमें इसमें है नहीं इसलिए ये क्या है I like doing things for myself very good next संगमवाड़ी सेंटर रीड I have 10 things in my pencil box I have 10 कबीर क्या मतलब हुआ इसका सेंटर क्या मतलब है इसका आई हैव 10 मेरे पास 10 पेंसिल के बॉक्स है मेरे पास 10 पेंसिल बॉक्स है आई हैव 10 things in my pencil box मतलब ये मेरे चलो ये बताएगी मेरा क्या मतलब है इसका बताओ जरा ट्राई करो पेंसिल बॉक्स में 10 things है हाँ 10 things क्या होता है हिंदी things क्या होता है हिंदी में 10 10 चीज मेरे पेंसिल बॉक्स में है वेरी गुड अब आप बताओ मेरे पेंसिल बॉक्स में 10 चीजें हैं ओके नेक्स्ट इज रामनगर सेंटर रीड मालवाड़ी सेंटर आर यू देयर रामनगर जल्दी आओ देयर आर मान मान There are many things on the table. Very good. There are many things on the table. Repeat करिए एक बार. टेबल पे बहुत सारे चीज है. There are many things on the table. मतलब क्या है इसका हुआ? बहुत सारे चीज है टेबल पर. टेबल पर बहुत सारी चीजें हैं. Very good, मीरा. अब आप रीड करो इसको. I like
वेरी गुड। मुझे मीठा पसंद है। हाँ, I like sweet things। मुझे मीठी चीजें पसंद है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वर्ड रीड करिए। चलिए रीड करिए। थम क्या होता है जरा दिखाइए मेरे को। थम होता है अंगूठा। ये होता है थम। क्या है ये कबीर? थम। थम। वेरी गुड। और ये क्या है? ये है जानवर जिसे हम कहते हैं स्लॉथ। स्लॉथ। स्लॉथ नहीं, ओ नहीं है। क्या है ये? स्लॉथ। अपन को पहले के ब्लैक क्या है? स्लॉथ। क्या वर्ड है ये? थ्रो यानी के चलो जरा थ्रो का एक्शन करे। थ्रो का एक्शन करो। थ्रो मतलब थ्रो। थ्रो। नेक्स्ट बात का मतलब नहाना। नहाना क्या है ये? क्या है ये? बर्ड यानी के जन्म होना। जन्मदिन जैसे हम मनाते हैं बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। क्या बनाते हैं? बर्थडे। हम बर्थडे नहीं मनाते, बर्थडे नहीं बोलते, बर्थडे। अब देखिए बर्थ में, बर्थ में सीएच का साउंड क्या है? और अदर में उसमें तो दोनों के कबीर तो दोनों के साउंड में जो टीएच का साउंड है देखिए फर्क कितना है। मतलब दूसरा। हाँ दूसरा। इन द अदर डायरेक्शन। अदर मीन दूसरी ओर, दूसरा, अन्य। उसका मतलब चलिए रीड करिए। I have other plans। हाँ मेरे पास एक और प्लान है भाई। मेरा कुछ और प्लान है। मैं आपके प्लान के साथ नहीं चल रहा, मेरा कुछ और प्लान है। तो ये अदर मैं
लास्ट में कौन सा लास्ट क्या है ये पहला वर्ड टॉपिक पूरा वर्ड पढ़ो बी के बाद क्या वर्ड है क्या वर्ड है दयालु दयावान वेरी गुड वेरी गुड कौन बोला हाथ खड़ा करो यस पैट करो अपने को शाबाश वेरी गुड वेरी गुड काइंड का मतलब दयालु दयावान कहते हैं बी काइंड टू अदर्स यानी कि दूसरों की तरफ दयावान दयालु रहो सेंटर आप ही रीड कर सकते हो मीरा रीड करो मीरा मेरे को पहला वर्ड भी नहीं सुनाई दिया डू बी नो 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 इसमें के की आवाज नहीं है डू वी नो आगे इट्स अ डिफिकल्ट वर्ड ये आपको नहीं पता है इसका रूल भी होता है वो आपको बाद में सिखाएंगे आगे पढ़िए अदर 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 लास्ट वर्ड क्या है अदर डू वी नो ईच अदर मतलब क्या हम एक दूसरे क्या लगा है क्वेश्चन मार्क ये सवाल पूछ रहा है ओके नेक्स्ट सेशन संगमवाड़ी सेंटर सेम और रीडिंग ज्यादा क्या है ये शो मी सम अदर कैप्स मुझे कुछ और टॉफियां दिखाइए जब हम तो कोई दुकानदार कोई चीज दिखाते हैं हम कहते हैं भैया और दिखाइए तो शो मी सम कैप्स कुछ और टॉफियां दिखाइए वेरी नाइस लास्ट सेंटेंस से पीछे जो दिन बीत गया उस दिन मिला दो दिन चला गया आई मेट हिम द अदर जी चलिए खड़े हो जाइए जरा दो मिनट सारे Let's go.
shuffle, shuffle, shuffle your feet, shuffle, 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 shuffle your feet. Jump left and jump right now. Jump left and jump right now. Jump left and jump right now. To this song and shuffle, shuffle, shuffle your feet, shuffle, 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 shuffle your feet. Shuffle, shuffle your feet. Let's all jump, let's all jump. Let's all jump, let's all jump. Let's all jump, let's all jump. To this song. To this song. To this song. अपनी कॉपी खोलिए, कॉपी खोलिए अपने बस ना ओके मेरे नेशन के रूल्स पता है सबको हमें थम्स अप देना है सेंटर की टीचर्स ऑल द टीचर्स आई वांट यू टू बी विजिबल मैं बहुत बात कर चुकी हूँ कि मुझे टीचर्स सामने नजर आने चाहिए तो छाया मैम गिरवाड़ा सेंटर हाँ प्लीज सामने रहिए और डिक्टेशन के वर्ड्स प्लीज लिखते रहिए और मेक श्योर कि आपके सेंटर में बातें ना हो मैं चलाऊंगी नहीं आज ओके आर वी रेडी ऑल ऑफ अस किसी भी सेंटर से कोई आवाज नहीं आने चाहिए इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि कोई से आवाज ना आए वीर एंड मीरा अपना ये थोड़ा कैमरा मैन यस वर्ड नंबर वन मेरे को बहुत शोर आ रहा है मैं तब तक शुरू नहीं करूंगी जब तक पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं हो जाएगा वर्ड नंबर वन जब तक मुझे आवाज आती रहेगी बेटा मैं शुरू नहीं करूंगी और हमने 10 वर्ड्स लिखने ही लिखने आपकी मर्जी है आप कितनी देर तक चुप करना चाहते हो ये आपकी मर्जी है वर्ड नंबर वन मैट The cat is sitting on the mat. The word is mat. 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 Word number two.
fit. Exercise keeps me fit. Fit. I am fit. Word is fit. Fit. I am very proud of Ramnagar Center. Good job. Fit. Word number 3. संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे. वर्ड है एग. 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 वर्ड नंबर 4. है फूलों पे मंडराती है. बी. बी. और शहद भी बनाती है. हनी बी. बी. कौन मधुमक्खी? मधुमक्खी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बी. हनी बी या बी. रामनगर सेंटर बेटा समझ आ गया. वर्ड नंबर 5. वर्ड नंबर 5. कली होती है, फूल की कली होती है ना. पहले पहले फूल होता है जो खिल जाता है, पर जब वो छोटा बेबी होता है उसे हम बोलते हैं बड. बड. Bud, bud. Bud, bud, bud. All the teachers, I hope you are writing the words. Yes, ma'am. Sorry. हाँ, पर भेजते तो हो ही नहीं आप लोग फिर. वर्ड नंबर 6. हैज. हैज. मेघना हैज अ बिग पेंसिल. हैज. वर्ड है हैज. As. Word number 7. Word number 7. मैडम फिर से बोलो. नंबर 7. वर्ड नंबर 7 है मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी इन द न्यू पैन. पैन. वर्ड नंबर 8. वर्ड नंबर 8. जब हम शॉप कुछ खरीदते हैं तो दुकानदार हमें क्या देता है? हमारे सामान का क्या बनाता है? लिस्ट. हाँ, लिस्ट तो हम बनाते हैं. तो वो जब हमारे को हम सामान लेते हैं तो हम कहते हैं ना भैया क्या बना के दीजिए, बिल बना के. हमें पता लगे हमें कितने पैसे देने, तो वो हमें सामान का क्या देता है? बिल. बिल. उसे हम रिसीट भी कहते हैं और बिल भी कहते हैं. हम लिखेंगे बिल. 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 नंबर 9.
wet. Wet. I got wet in the rain. Wet मतलब भीगना. Wet. लास्ट तीन वर्ड है लेड 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 मतलब किसी को आगे से लीड करना लेड मतलब जैसे हम देखते हैं परेड में कोई आगे आगे चल रहा होता है ना सबसे आगे जो उनका सबसे आगे जो चल रहा होता है वो पीछे बाकियों को क्या करता है लीड करता है तो इस लीड का ही एक वर्ड है लेड 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 हो गया वेरी गुड तो कबीर और मीरा अपने डिक्टेशन का फोटो खींच के भेजेंगे हाँ जी बेटा टीचर बोलिए बेटा मीरा का एग्जाम तो जब आया एक सेकंड बच्चे ये बाकी बच्चों को जरा मैं म्यूट पे कर दूं हाँ अब बोलिए बेटा बोलो बेटा टीचर हमें पांचवा वर्ड कौन सा है पांचवा वर्ड है बेटा टीचर पांचवा वर्ड कौन सा है बता रही हूँ बेटा बड 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 जो कली होती है ना फूल की कली उसे हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं बड और मैं बहुत खुश हूं कि आपने मुझसे पूछा आपका मिस हुआ और आपने पूछा ये बहुत अच्छी बात इसके साथ ही बेटा आज की क्लास खत्म थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन थर्सडे को मिलेंगे मैं वर्ड्स कबीर अपना माइक ऑन करो बेटा माइक ऑन करो सारे सेंटर्स अपना माइक ऑन करें कुछ बोलना है तो कबीर थैंक यू मैम बोलो हाँ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग थर्सडे को मिलेंगे टीचर्स अपना वर्ड लिस्ट का तो मेरे को अलग से प्राइवेटली भेजना चाहते हो प्राइवेट भेज सकते हो कोई बात नहीं ठीक है मैम ठीक है नो वरी चलिए थैंक यू